भारत कृषि प्रधान देश है। अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर हैं, जिससे 40 करोड़ लोगों का किसी तरह गुजर होता है। यहाँ कई फसलें पैदा होती हैं, जिनमें जगह जगह के हिसाब से फर्क होता है। कपास हमारे देश की एक मुख्य उपज है। हम लगभग 50 लाख कपास की गांठें हर साल पैदा करते हैं। इसमें बढ़ती की भी उम्मीद है। पूर्ण विकसित कलियों को फौरन ही चुन लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। एक काम खत्म और दूसरा शुरू। कपास बैलगाड़ी में भरी जा रही है, बिक्री के लिए इसे बाजार पहुंचाना है। बैलगाड़ियां ठसाठस भरी हैं, ताकि एक ही खेत में बिक्री का काम खत्म हो जाए। किसानों के मन में बड़ी आस है, अपनी उपज की अच्छी कीमत पाने की आस। कपास बाजार में आई और खरीद ली गई। किसान का काम अब खत्म हुआ। अब व्यापारियों के जिम्मे ही कि वे कपास का जिस तरह चाहें उपयोग करें। महीनों की मेहनत के बाद पैसे मिलने पर किसे खुशी नहीं होती। अब इन पैसों से किसान जरूरत की वे चीजें खरीदेगा, जिन्हें वो खुद पैदा नहीं करता। भोजन के बाद कपड़ों की ही जरूरत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन कपड़े की कीमत पूछिए मत। किस्म किस्म और रंग रंग के कपड़े हैं, पर किसान तो बस एक टुकड़ा ही खरीद सकता है। कपास उगाने वाले को पूरा कपड़ा भी नसीब नहीं। फिर भी किसान खुश खुश घर लौटता है। अपने बेटे के लिए नई कमीज चुलाया है। अब चिथड़े किसी और काम आएंगे। बरसों से ऐसा ही होता रहा। किसान गरीब है। उसकी गरीबी का मुख्य कारण है काम की कमी, रोजी का अभाव। फसल को काट बेच कर किसान बेकार हो जाता है। खेतों में तो कोई काम रहता नहीं, घर पर भी कोई खास काम नहीं होता। खेती के अलावा उसके पास और कोई रोजगार भी तो नहीं। लाखों लोग साल में कई महीने बेकार रहते हैं। काम की तलाश में कईयों को अपना घर परिवार छोड़ना पड़ता है, दूसरा कोई चारा नहीं। वे शहर का रास्ता नापते हैं ताकि कोई काम मिले। कपास बेचने के बाद बेकार किसान कपड़ा मिलों में पहुंचते हैं। यहां वे कपास से कपड़ा तैयार करेंगे। ये काम वे गांव में रहकर भी कर सकते थे। मशीनें चलाते चलाते वे भी मशीन बन जाती हैं। महात्मा गांधी ने चरखे को नया जीवन दिया, देश की बेरोजगारी और बेकारी मिटाने के लिए। पुराने चरखों की जांच कर जरूरत के मुताबिक उन्हें सुधारा गया। कई नमूने बने, हर एक की अपनी खूबी है। हमारी खोज और मेहनत ने अंत में अंबर चरखे को रूप दिया, बेरोजगार और बेकार लोगों की मदद के लिए। धुनाई, पुनी बनाना व कताई,
इन तीन क्रियाओं से युक्त अंबर चरखा बनाना व चलाना आसान है। धुनाई मोड़ या रुई थुनता है। थुनी हुई रुई बेलनी में लगाई जाती है। बेलनी पिसाई व पुनी बनाने का साधन है। इसमें दो जोड़े फौलाद के बेलन होते हैं, नीचे के धारीदार और ऊपर के रबड़ के खोल चढ़े हुए। धुनी हुई कपास की इन बेलनों द्वारा कई बार पिसाई होती है। फिर मामूली ऐठन देकर इसे घूमते डिब्बे में उतारा जाता है, जहां इसकी पूनी बनकर जमा होती है। बेलनी एक सादा साधन है। इसकी कीमत है सिर्फ 42 रुपए। गांव का बढ़े इसका निर्माण व मरम्मत कर सकता है। यह है चरखा। पक्की लकड़ी का बना हुआ यह चरखा 21 इंच लंबा, 16 इंच चौड़ा, 21 इंच ऊंचा और 26 पाउंड वजनी होता है। इसकी तीन लकड़ी की पुलियां मुख्य पहिए से रुई की बत्तियों द्वारा जुड़ी रहती हैं। चरखे में तकवे की चार मुंदरियां होती हैं। जब पहिया घूमता है तो तकवे एक मिनट में 9000 बार तक घूमते हैं। नथनियां और कताई मुंदरियां अपने आप धागा लपेटती हैं। इस चरखे के कलपुर्जे गांव का बढ़े भी जोड़ सकता है। इसकी कीमत सिर्फ 50 रुपए है। पूरे सेट की कीमत 120 से 130 रुपए तक पड़ती है। चालू चरखे और अंबर चरखे में फर्क जानना जरूरी है। चालू चरखे पर 8 घंटे काम करके एक आदमी कपास से 3 गुंडी सूत बना सकता है और अंबर चरखे पर 8 गुंडी तैयार कर सकता है। इस तरह अंबर चरखे के उपयोग से बेकारी के दिनों में किसान को 12 आने या 75 नए पैसे रोज की आमदनी होती है। पूरे समय इसका उपयोग न कर यदि कुछ ही घंटे चरखे पर काम किया जाए तो किसान परिवार की आमदनी बढ़ सकती है। प्रयोगशाला में जांच करने से पता चला है कि अंबर चरखे का सूत मिल के सूत से भी मजबूत होता है। हाथ करखा बुनकरों का अनुभव भी बताता है कि चालू चरखे के सूत से अंबर सूत बहुत बढ़िया होता है। मिलने पर वे इसे ही खरीदते हैं। वे इसके मुख्य ग्राहक हैं। उनके संतोष पर ही अंबर चरखे की सफलता निर्भर है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग बड़े पैमाने पर अंबर चरखा चालू कर रहा है, लाखों जरूरतमंदों को रोजगार देने के लिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कई जगह अंबर विद्यालय खुले गए हैं। यहाँ एक साल तक रहकर शिक्षार्थी अंबर चरखे के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। इसके बाद वे देश के पिछड़े भागों में अंबर का प्रचार करते हैं। खास विद्यालयों में ऊंची तालीम दी जाती है। यहाँ प्रशिक्षार्थियों को 40 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलती है। मिस्त्रियों के लिए भी परिश्रमालय खुले गए हैं। यहाँ गांव के बढ़ई अंबर चरखे के कलपुर्जे जोड़ना और उसकी मरम्मत व देखभाल करना सीखते हैं। कोई भी बढ़ई इस 6 महीने के पाठ्यक्रम में दाखिल हो सकता है।
सिखलाई के दौरान में उन्हें 75 रुपए महीना छात्रवृत्ति मिलती है। सिखलाई खत्म होने के बाद मिस्त्रियों को गांवों के लिए अंबर चरखा बनाने के काम में लगाया जाता है। विकेंद्रीकरण द्वारा उत्पादन बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं, ताकि हर उत्पादन इकाई अपने क्षेत्र की जरूरतें पूरी कर सके। जब चरखा तैयार हो जाता है तो जानकारों की देखरेख में उसकी खरी कसौटी होती है। गांव के कताईकारों व बुनकरों का काम आसान बनाने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज हजारों लोग अंबर चरखा चलाना सीख रहे हैं। 3 महीने की ये तालीम कोई भी व्यक्ति ले सकता है। कताई की मजदूरी के अलावा तालीम पूरी होने तक शिक्षार्थियों को 20 रुपए की छात्रवृत्ति भी मिलती है। चरखा चलाने की पूरी जानकारी हासिल करने के बाद वे नया चरखा खरीदकर अपने घरों को जाते हैं और नए शिक्षार्थी दाखिल होते हैं। सारे देश में अंबर चरखे के प्रति बड़ा उत्साह पैदा हुआ है। सस्ते और हर तरह से उपयुक्त इस चरखे ने पहली बार कताई को फायदेमंद गृह उद्योग बना दिया है। इसका असली महत्व गांवों में है। वहीं रुई पैदा होती है और वहीं काम करने वाले व लाखों उपभोक्ता हैं। ये पूरे परिवार को रोजगार देता है। किसानों को खाली समय में गांव में ही उनके लायक काम मिल जाता है। अब बेकार रहने का कोई कारण नहीं। इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी, जरूरतमंदों को पैसा मिलेगा। शहरों में भी मध्यम श्रेणी के परिवार नए चरखे को अपना रहे हैं। स्थानिक खादी उत्पादन केंद्र निश्चित दरों पर अंबर सूत खरीदने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पूरे समय काम करके कोई भी व्यक्ति लगभग 22 रुपए महीना कमा सकता है। यदि पूरा परिवार काम करे तो ये आमदनी लगभग 60 से 80 रुपए प्रति माह हो सकती है। सूत के बदले कपड़ा देने की भी व्यवस्था की गई है। खादी उत्पादन केंद्र कताईकारों से किसी भी मात्रा में सूत ले लेते हैं। इसकी मांग बहुत ज्यादा है। चरखे को और भी उपयोगी व सस्ता बनाने की खोज जारी है। संयुक्त नमूने के चरखे की जांच हो रही है। इस समय उपयोग में आने वाले अंबर चरखे की तरह ये सभी साधनों से युक्त होने के साथ साथ सस्ता भी है। दो तकों के एक नए चरखे का नमूना भी बनाया गया है। अंबर चरखे का प्रचार कर हम लाखों लोगों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। चरखा जो कभी विदेशी आर्थिक प्रभुत्व से छुटकारा पाने के हमारे संकल्प का प्रतीक था, आज लाखों को रोजी दे सकता है, रोटी दे सकता है।